पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अट्ठाईस तारीख तक है नॉमिनेशन का दिन, तो जैसे कि हम लोगों ने आज सोमवार का दिन चुना, तो हो सकता है लोग मंगल का, बुधवार का इस तरीके से दिन चुनेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्द सब लोग अपना अपना नॉमिनेशन करा लेंगे। नहीं, टिकट माशाल्लाह सबके फाइनल है, क्योंकि हमारा टिकट फाइनल हुआ तभी हमको सिंबल मिला, तो हमने जब अपना नॉमिनेशन किया है तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी जल्दी अपना नॉमिनेशन करा लेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि कोविड गाइडलाइन को लेकर के थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल ना बने, तो हम लोग डायरेक्ट ए और बी फॉर्म दे रहे हैं। जैसे कि हमको कॉल आया था तो हम लखनऊ गए थे, हमको ए वी फॉर्म मिला और उसी के सापेक्ष हमने जो है आज नॉमिनेशन कराया है अपना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ से प्रदेश कार्यालय से ही, क्योंकि ए और बी फॉर्म मिलता है, तो डायरेक्ट जो प्रत्याशी हैं उनको फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको बात के उसको वहाँ के बाद फिर हमने जिलाध्यक्ष जी को भी कम्युनिकेट किया था और जिलाध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए भी थे। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि कोविड की वजह से हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमने घोषित कर दिए थे, उसके बाद हम लोग जिनको भी टिकट देंगे या जिनको भी हम सिंबल देंगे उनको कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए, ज़्यादा लोग ना आए तो अकेले आदमी को बुला करके कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उनको सिंबल वहीं पर मौजूद कराएंगे। नहीं, इस तरीके का तो विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार टेलीफोन, क्योंकि हम पे भी टेलीफोन आया था और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोगों को जिस जिस तरीके से सिंबल मिले सब पे टेलीफोन आए होंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।